गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड आज हमारा लास्ट डे है पालमपुर में। कल रात बहुत क्रेजी हो गया था एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लाइव सेशन चल रहा था हमारा म्यूजिकल इवनिंग बीर के कैफे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूँ, वो प्लीज़ चेकआउट करो जाके। इट वॉज़ मैजिकल। सो आज हमारा प्लान ये है कि कल हमारा पैराग्लाइडिंग रह गया था बिकॉज पालमपुर एंड बीर दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्चुअली हिमाचल ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मौसम ऐसे बदलता है। तो हम हुआ क्या, हम लोग वहाँ पहुँचे एंड हमने सोचा पैराग्लाइडिंग करेंगे, बट सोचा कि थोड़े शॉर्ट्स वैसे ले लेते हैं। बाय दैट टाइम बादल इतने ज़्यादा बन गए एंड बारिश शुरू हो गई, विच आई गेस आज नहीं होगा। हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से बीर की तरफ फॉर पैराग्लाइडिंग। डे टू, गुड मॉर्निंग, लेट्स गो। हम फाइनली पहुंच चुके हैं बीर। ये लोग जा रहे हम लोग गए थे मनाली और आज हम बीर आए हैं। हां, रोज एक जगह नहीं जाता। ये लोग जा रहे हैं किसी कैफे में काम करने और मैं चला फ्लाई कर रहे हैं। हम दोनों प्रोफेशनल एक्चुअली पायलट से। हां, हमने P1 P2 P3 राउंड क्लियर कर लिया। अच्छा, एक बार ही फ्लाई करा उसके अलावा। अब हम बेस जंप मार, वो देखना। अरे ये तो कुछ नहीं, ऐसे क्या गोल गोल मस्त घुमा रहा है यार। बोलना भैया, मजा नहीं आ रहा। क्या बोलो उसको, मैं ऊपर जाके गोल और घुमाओ। क्या बोल रहा है, ऐसा करो कि मजा आ जाए। ऐसा वाला तो पहले बोला था, वो फ्रेज था। क्या कह रहे हो, पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। वाह, मौसम खराब है क्या? खराब है मौसम, क्लाउडी है मौसम। तो टाइम लगेगा ऊपर? क्लियर हो रहा है थोड़ा। कितना टाइम लग सकता है ऊपर? अभी तो गाड़ी में लग जाएगा हमको 40 मिनट तक पहुंचने में। फिर देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है। ऊपर मिलता है तो उड़ेंगे, नहीं मिलता है तो वेटिंग करना पड़ेगा। तो आप साथ उड़ोगे? साथ ही जाएंगे हम लोग। चलो भाई चले। कुछ दिख भी नहीं रहा है। क्या सीन है अभी? बस भाई जनता को अभी वेटिंग का वाला है भाई। अभी भाई वेटिंग करना पड़ेगा थोड़ी देर, काफी देर भी करना पड़ सकता है। क्यों, मतलब ये क्लाउड मूव करने का जरूरी क्यों है? एक्चुअली क्लाउड बेस आगे लो है विंटर की वजह से ना। तब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमको विजिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ेगी आगे फ्लाइंग करते वक्त। वैसे कोई दिक्कत नहीं आती क्लाउड विजिबिलिटी के अलावा? विजिबिलिटी के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मौसम साफ है तो फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ भी ये लोग ये सारे फ्लाई करने के लिए वेट कर रहे हैं? बिल्कुल जी। एक एक करके जाते हैं सारे इकट्ठे? वन बाय वन करके जाएंगे। कुछ जाते हैं एक एक करके जाएंगे। चलो वी मेट। हाँ अच्छा, बिजी लुक, हु वी मेट हियर अगेन। हम लोगों ने कल डिसाइड किया था 9 o'clock सुबह शॉप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। ये लोग अब पहुंचे यार, हम यहाँ पे 2 घंटे से हैं और
अभी तक फ्लाई नहीं किया, वेरी क्लाउडी, वेरी क्लाउडी। हां पता है पिछले हम लोग मैं वहां पर 1 घंटे से वेट कर रहा हूं, उधर बैठा हुआ था। हां मुझे पता नहीं था यहां नेटवर्क भी नहीं है। यार एक तो इसमें चला भी नहीं जा रहा दूर से दिखाता हूँ कैसे चल रही है हम लोग आए थे यार अराउंड 12 o'clock यहाँ पर एंड अभी हो रहा है 2:48 हो गया है, तो 3 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, नो प्रोग्रेस मेड। सो आई गेस कुछ खा के वापस नीचे जाते हैं। कुछ खाने शिवम और भोईना नीचे वेट कर रहे हैं एंड यहाँ नेटवर्क भी नहीं है यार, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे नीचे, सबसे मेजर प्रॉब्लम वही है यहाँ पर। वो मेरे को बीच में नेटवर्क आया था, उन्होंने ट्राई किया था कॉल करने का बट फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क भी ख़त्म हो गया, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ना हो तो नीचे आ जाएँ। आई एम होपिंग कि वो यही बोल रहे हैं ये देखो सफ़रनामा जी वहाँ पर ब्लॉग कर रही हैं पॉटी से बच के देखो बहुत फनी है। ठीक है लेट्स गो एंड हैव सम फूड गाइस। पहाड़ों वाली मैगी का मज़ा ही कुछ और ना यार, यहाँ का सीन मेरे को लग नहीं रहा है। रैप अप करने के बाद ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर शायद अभी फ्लाइंग नहीं हो पाएगी बिकॉज वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और थोड़ी देर वेट कर सकते हैं 15-20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं बिकॉज हमारा शूट जो है ना वो खिंच जाएगा। सो लास्ट ऑप्शन ये होगा, यहाँ से रैप अप करेंगे, नीचे जाएंगे पालमपुर की तरफ एंड वहाँ पर हम लोग कैंप करेंगे, लास्ट सीक्वेंस होगा हमारा वीडियो का एंड दैट विल बी इट। पीस आउट। अब हम ट्रिपली करके जाने वाले हैं यहाँ से, यो क्रेजी होने वाला है पीछे बिल्कुल जगह नहीं है, आई स्वेयर नहीं है तो गाइस डॉट डॉट पुष्टि का इलाज राम पानी का चंदा डॉट के लिए जिस बार इसके लिए रीच क्या कहते हैं यार आगे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है गाइस। अब
फाइनली हम लोगों ने यहाँ का शूट रैप कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ का पैराग्लाइडिंग का सीक्वेंस तो नहीं हो पाया, एंड मेरी दिल की इच्छा थी पैराग्लाइडिंग करना भीर में, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। हम लोगों ने यहाँ का कैंपिंग सीक्वेंस ख़त्म कर लिया है एंड सब पैकअप कर रहे हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, एक्चुअली दैट्स ऑल फॉर पालमपुर एंड बी ट्रिप। मैं कल घर वापस जा रहा हूँ। बहुत कुछ हो गया नहीं यार इस ट्रिप में, सो आई गेस नई जगह पर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए पीस आउट।